मैं पत्रकार अजय कुमार आज पहुंचे हैं बाबा धाम ऋषि कॉलोनी का जो मेन मार्ग है बाबा धाम के बैक साइड। और ये मार्ग जो है ऋषि कॉलोनी चावला कॉलोनी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के लिए जाता है। और यहाँ पर आपको दिखाएंगे जो पूरे शहर का जो कूड़ा है यहाँ पर सारी गाड़ियाँ नगर निगम की जो भी गाड़ियाँ हैं वो कूड़ा लेकर के यहाँ पर डालती हैं। और प्रवीण भारद्वाज ऋषि कॉलोनी कड़ी नंबर 6 जी, जो ये कूड़ा है जो कूड़ा डालने की वजह है जो आपने ये CM विंडो पे शिकायत लगाई है आप सभी लोगों ने, इसकी क्या वजह रही? पहली बात तो ये शहर के अंदर पास नहीं है जी, क्या नाम है। दूसरी बात यहाँ से क्या नाम है जो रोड है वो भी फटा हुआ है और कॉलोनी का भी फटा हुआ है। एक यही रास्ता है यहाँ पे, ये देख लो क्या हाल है, कचरा वगैरह और कुछ ये चीज़ें। यह आवारा पशु है, क्या नाम है, स्कूल से बच्चों को छोड़ने के लिए लेडीज वगैरह आती है, बच्चे आते हैं उनको ये मारने के लिए भागते हैं। ये कई चीज़ है जो जिनसे हमारी कॉलोनी निवासी जो सभी है वो दुखी है। सभी ने साइन कर रखे हैं, क्या नाम, और भी डॉक्यूमेंट है साइन हो रहे हैं उनके, स्कूल है यहाँ पे पीछे सैनिक अभी स्कूल है। सबसे खास तो उन्होंने भी रोक दिया कि मेरे स्कूल के बच्चे नहीं आ पाते हैं और टीचर को भी स्कूल जैसे आपके बच्चे को, ये मैडम गिर गई थी नाले में, ये पानी भर जाता है यहाँ पे बारिश में और उसके कारण ना नाला दिखता ना वो दिखता है, तो इसमें वो भी गिरती थी कई बार। ये गऊ माता ये भी इसमें पैर फिसल के मतलब वो डल जाती है। तो हम यही कॉलोनी वासी अनुरोध करते हैं, यहाँ पे कमेटी की जगह है, जब तक यहाँ कुछ ना बनाया जाए तो वहाँ पर पार्क और गौशाला मतलब यहाँ पे अलाउड करवाएं, क्या नाम है, कॉलोनी की यही मांग है। और ये मांग निखिल मदन तो नहीं, जैसे यहाँ पे सोनीपत में पहले मेयर निखिल मदन उन्होंने विधायकी का पर्चा दर्ज किया है, तो उन्होंने आपसे आपने उनसे कोई बात की है? वो आते ही नहीं इधर वोट मांगने के लिए, वो तो वोट की जरूरत ही नहीं उनको, तो बीजेपी पार्टी ने टिकट दे दी वो तो सोच रहे जीत जाएंगे। नहीं ऐसा तो नहीं है, कोई भी चाहे आज़ाद उम्मीदवार हो या कोई भी उम्मीदवार हो चाहे वो कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, वोट मांगने तो सभी आते हैं, कोई उनको वोट दे या ना दे। तो आपने उनसे अपील की है या नहीं? अभी तक आए नहीं वो, हम क्यों अपील करेंगे, वोट मांगने का काम तो उनका है ना। तो आपने ये शिकायत नगर निगम में दी है? हाँ। तो नगर निगम ने क्या अनुशासन दिया आपको? कि यही क्या नाम है कि भाई ऐसे ही उठवा देंगे, कल जैसे गाड़ी भिजवा दी, सिकंदर ठेकेदार है तो उन्होंने बोला कि भाई नहीं डाले हैं कल से, तो उन्होंने मान ली है मांग। तो स्वागत है, मैं पत्रकार अजय कुमार आज पहुंचे हैं बाबा धाम ऋषि कॉलोनी का जो मेन मार्ग है बाबा धाम के बैक साइड। और ये मार्ग जो है ऋषि कॉलोनी चावला कॉलोनी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के लिए जाता है। और यहाँ पर आपको दिखाएंगे जो पूरे शहर का जो कूड़ा है यहाँ पर सारी गाड़ियाँ नगर निगम की जो भी गाड़ियाँ हैं वो कूड़ा लेकर के यहाँ पर डालती हैं। और स्वागत है, मैं पत्रकार अजय कुमार आज पहुँचे हैं बाबा धाम ऋषि कॉलोनी का जो मेन मार्ग है बाबा धाम के बैक साइड। और ये मार्ग जो है ऋषि कॉलोनी चावला कॉलोनी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के लिए जाता है। और यहाँ पर आपको दिखाएंगे जो पूरे शहर का जो कूड़ा है यहाँ पर सारी गाड़ियाँ नगर निगम की जो भी गाड़ियाँ हैं वो कूड़ा लेकर के यहाँ पर डालती हैं। और उन्होंने विधायकी का पर्चा दर्ज किया है, तो उन्होंने आपसे आपने उनसे कोई बात की है? वो आते ही नहीं इधर वोट मांगने के लिए, वो तो वोट की जरूरत ही नहीं उनको, तो बीजेपी पार्टी ने टिकट दे दी वो तो सोच रहे जीत जाएंगे। नहीं ऐसा तो नहीं है, कोई भी चाहे आज़ाद उम्मीदवार हो या कोई भी उम्मीदवार हो चाहे वो कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, वोट मांगने तो सभी आते हैं, कोई उनको वोट दे या ना दे। तो आपने उनसे अपील की है या नहीं? अभी तक आए नहीं वो, हम क्यों अपील करेंगे, वोट मांगने का काम तो उनका है ना। तो आपने ये शिकायत नगर निगम में दी है? हाँ। तो नगर निगम ने क्या अनुशासन दिया आपको? कि यही क्या नाम है कि भाई ऐसे ही उठवा देंगे, कल जैसे गाड़ी भिजवा दी, सिकंदर ठेकेदार है तो उन्होंने बोला कि भाई नहीं डाले हैं कल से, तो उन्होंने मान ली है मांग। तो आज कूड़ा पड़ा है यहाँ पर? नहीं आज नहीं। तो देखते हैं यहाँ पे और भी भाई मौजूद हैं, हमें उनसे बात। आप अमित नाम है भैया, जो यहाँ पर ये कूड़ा डलता था या इन्हीं को अकेला विरोध है या पूरी कॉलोनी को विरोध है? विरोध तो जी पूरी कॉलोनी को और परेशानी भी सबको है, जैसी हवा चलती है ना तो जिधर की भी हवा होगी, इधर जाएगी तो हाउसिंग बोर्ड है, इधर जाएगी सैनीपुरा, अपने ऋषि कॉलोनी तो पास में ही है, तो सबको परेशानी, आने जाने वाले को भी सबको परेशानी है। तो क्या चाहते हैं आप, यहाँ पे कूड़ा ना डाला जाए? नहीं हम तो यही चाहते हैं जी कूड़ा ना डले, और बाकी आप भी देख लो ये रेजिडेंशियल एरिया है, उसको देख के आप भी बता दो कौन कहेगा कि यहाँ डालना जरूरी है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बाबा धाम मंदिर भी है, यहाँ के मंदिर के जो पुजारी हैं या मंदिर के जो मालिक हैं कुछ साहब, उनने भी कोई विरोध किया है इसके बारे में? उसके बारे में तो हमें नहीं पता, लेकिन सुनने में आया कि भाई एप्लीकेशन उन्होंने दी होगी या बोला हो, उसके बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं है।
तो देखिए यहाँ पर एक अंकल जी हैं, मैं उनसे भी बात करूँगा, क्योंकि जो बुजुर्ग हैं उनसे भी पता करना है, क्योंकि कहते हैं ना बुजुर्ग लोगों को ज़्यादा पता होता। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार अंकल जी, जो ये कूड़ा डल रहा है इसके उपलक्ष्य में किस किसने विरोध किया है? भाई हमने नगर निगम में भी गए हैं। अच्छा जी, वहाँ मदान साहब को भी कहा। जी जी, उन्होंने बोला निकलेंगे, इसका भी हल निकालेंगे भाई। अच्छा जी, और यहाँ आते जाते जो बच्चे आए हैं जी, सारे मुंह नाक बंद करके जावे जी, चारों तरफ कोई भी आदमी की साइड में आवाज चले, बैठ नहीं सकता, आ नहीं सकता, जा नहीं सकता जी। तो क्या इसमें कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कूड़ा डालना बंद किया जाए, इसके लिए सरकार कोई और जगह चुने? हाँ, कॉलोनी वासियों का कहना है कि यहाँ पर कूड़ा ना डाला जाए और इसकी जगह कोई और चुनी जाए, जैसे कि पहले यहाँ से कूड़ा इकट्ठा करके बाईपास पे डाला जाता है देवड़ी रोड पे, यह कूड़ा सीधा वहीं डाला जाए और कॉलोनी वासियों को बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इससे बीमारी का सामना करना पड़ता है, बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है दिन पे दिन। सरकार से इन्होंने आग्रह किया है कि यहाँ पर कूड़ा ना डाला जाए, तो इस वजह से आज यहाँ पर कूड़ा नहीं डाला गया, किसी भी सारी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा जरा पीछे गाड़ियाँ दिखाएं, क्योंकि जो गाड़ी यहाँ पर खड़ी हैं, यहाँ पर सारी गाड़ियाँ आज खाली खड़ी हैं और कई गाड़ियों को यहाँ से वापस भेजा गया है, क्योंकि गंदगी को मुक्त कराने के लिए कॉलोनी वासियों ने यह बीड़ा उठाया है यहाँ पर कूड़ा ना डाला जाए। और मैं आग्रह करूँगा सरकार से भी, जनता भी आग्रह कर रही है, क्योंकि गंदगी से तो दुनिया मुक्त चाहती है, गंदगी ना हो, गंदगी से तो हर कोई बचना चाहता है, क्योंकि गंदगी चाहे गली का हो, मोहल्ले की हो, चाहे कॉलोनी की हो, कोई भी गंदगी हो, गंदगी में कोई बढ़ना पसंद। और ये आजकल जो बीमारी चल रही है डेंगू और मलेरिया की, इससे बचने के लिए सभी चाहेंगे। तो प्राइम ब्रेकिंग न्यूज़ से मैं पत्रकार अजय कुमार, सोनीपत हरियाणा, आप देखते रहिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज़। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।